बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने ग्लैमरस लुक्स और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती है। कई ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं जिनके एक्टिंग टैलेंट को कभी दर्शकों का प्यार नहीं मिला, लेकिन अपनी बोल्ड इमेज की वजह से वह हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाती हैं। ऐसी ही अभिनेत्रियों की लिस्ट में सना खान, वीना मलिक और साउथ फिल्मों की अभिनेत्री मोनिका का नाम शामिल होता था। कभी ये अभिनेत्री अपनी हॉटनेस से सोशल मीडिया का पारा चढ़ाए रखती थी, लेकिन अब इनकी काया पलट इस कदर हुई है कि ये नजर आती हैं बुरखा में। अपने चेहरे को ये इस कदर ढक लेती हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। सना खान। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सना खान अब सैयद सना खान बन चुकी है। हाल ही में सना ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया था कि वह ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़ रही है। सना खान ने सूरत के रहने वाले बिजनेसमैन और मौलवी मुफ्ती अनस के साथ निकाह कर लिया। सना खान ने खुद को किस हद तक बदल लिया है, ये अंदाजा आप उनकी पहले और अब की तस्वीरों से लगा सकते हैं। बुरखे के पीछे छुपी सना पब्लिक एरिया में अपने चेहरे और सर को भी नकाब से इस कदर ढक लेती हैं कि उनकी सिर्फ दो आंखें ही दिखती हैं। कभी फिल्मों और तस्वीरों में जमकर एक्सपोज किया करती थी सना खान, लेकिन अब मजहब की राह पर चलते हुए सना ने ग्लैमर का त्याग कर दिया है। वीना मलिक। बॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्मों की फ्लॉप एक्ट्रेस हैं वीना मलिक। वीना की छवि एक बड़पोली और पब्लिसिटी के लिए नौटंकी करने वाली सेलिब्रिटी की है। एक वक्त था जब वीना सुर्खियों में छाए रहने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाती थी। बिग बॉस के घर में भी वीना मलिक ने अश्मित पटेल के साथ खूब इश्कबाजी की थी। यहाँ तक कि तस्वीरों में भी उनका बोल्ड अंदाज ही दिखता था, लेकिन अब वीना अक्सर बुरखा पहने दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों को देख अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। निगार खान। गौहर खान की बड़ी बहन निगार खान कभी टीवी की ग्लैमरस खलनायिका कहलाती थी, लेकिन साल 2015 में निगार ने पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन खयाम शेख से निकाह किया और दुबई में बस गई। अब निगार खान भी बुरखा पहने दिखती हैं। ज़ारा वसीम। दबंग स्टार ज़ारा वसीम भी मजहब की राह पर चलते हुए बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी हैं। ज़ारा भी अब हिजाब पहने दिखती हैं। ज़ारा ने जब सोशल मीडिया पोस्ट डालकर बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था, तब वह बुरी तरह से ट्रॉल हुई थी। यही नहीं, साल 2017 में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल और ज़ारा वसीम के बीच हिजाब को लेकर जबरदस्त ट्विटर वॉर भी हुई थी। दरअसल अपने पोस्ट में विजय गोयल ने हिजाब पहने एक लड़की की तुलना ज़ारा से कर दी थी, जिसके बाद ज़ारा ने विजय गोयल के उस ट्वीट से असहमति जताते हुए लिखा था कि हिजाब में भी महिलाएं खूबसूरत और आजाद हैं। मोनिका। साउथ फिल्मों की अभिनेत्री मोनिका कभी सेंसेशनल लुक्स के लिए तारीफें बटोरती थी, लेकिन 2014 में मोनिका ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वह इस्लाम कबूल कर चुकी है। इस्लाम कबूल करने के बाद मोनिका ने अपना नाम एमजी रहीमा रख लिया था और अब वो अक्सर हिजाब पहने ही दिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।